तावीज जिसमें आपकी तस्वीरें निकल आए। अच्छा यार, ये बेचारे इमारात में हैं भाई और उनका पाकिस्तान में घर है, फैमिली जो है ना, बच्चे बेगम पाकिस्तान में ना। आपको दिखा देता हूँ कि ये भाई, ठीक है, ये इनकी बेगम, सही, इनकी शनाख्त जी दरख्वास्त पे पोशीदा है और बता रहे हैं कि भाई मेरे घर में ना मेरे बच्चे हैं, वो किसी से बातें करते हैं। अच्छा जी, ये इनके बेटे जी, माशाल्लाह बेटी बेटे, यही बच्चा बात करता है, ये बच्चा इनका जो है वो पाकिस्तान में जो घर है इनका वहां पढ़ना बताते हैं, मेरा एक दोस्त है और इन्होंने ये तावीजात निकलवाए हैं इस बच्चे ने। इस बच्चे ने निकलवाए? वो जो दोस्त है ये अकेले उनमें उनसे बातें करते रहते हैं और ये बताते हैं कि वो इनको ये कहता है कि सबको मार दो। अल्लाह। और जब इन्होंने ये इनको सामान मिला है, इनकी फैमिली ने जब इनको ये भेजा है सब सामान, ये देख रहे हैं पुतले और ये तावीजात, ये इमारात में थे, ये देखें कैसे अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह तौबा, ये काटी पत्नी क्या लगाया है, काटी सुइयां घुसाई हुई है नाम तावीजों के साथ ना पुतले बना के। अब जी जब इनको भेजा ये इमारात में तो जाहिर सी बात है अच्छा अच्छा इंसान देख के हम दहल गए यार, बहुत ही जी भयानक सूरत है इसकी। तो इन्होंने ना वहां अपने शेख से राब्ता किया इमारात में, तो उन्होंने इनको तरीका बताया इसको बहाने का या ठंडा करने का। अच्छा। अब ये क्या कर रहे हैं कि उनके कहने के मुताबिक ना इन्होंने एक बर्तन में पानी डाला है और उस पानी में ना उस पानी के अंदर ही ये सब खोल रहे हैं, एक एक चीज चेक कर रहे हैं तमाम तावीजों को। अब खोलने खोलने में क्या हुआ है कि तावीजों में लिखा हुआ है कि मियां बीवी क्या झगड़ा हो जाए, तलाक हो जाए, इनका कारोबार खत्म हो जाए, इनको नुकसान पहुंचे। और अब खोलने खोलने में क्या देख रहे हैं, ये देखिए, नोट करें सर, ये पिक्चर है किसी की, ये पिक्चर इनकी मरहूम वालदा की है। अच्छा, मतलब उनका यहाँ का काम, उनका क्या काम, मरहूम वालदा इनकी ये रही। अच्छा, इनकी तस्वीर उन तावीजों में है, ये तो इंतकाल कर गए या क्या पता इनकी जिंदगी से रखे हुए हो, बहुत पुराने हो शायद, एक ख्याल ये है कि शायद बाद में इनके सामने आए अरसे से रखे हुए। अब इनको चीजें समझ नहीं आ रही थी ना कि हो क्या रहा है, अब ये सामने आया है तो इसको देखकर इंसान क्या कहेगा यार। और ये बेचारे पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं भाई अल्लाह उनका भला ही करे जिन्होंने किया हमारे साथ यार, और उन सबको मैंने माफ किया। सर मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं देखे कभी जी ऐसे तावीजात, इस तरह की हरकतें, इस कदर डीप ये देखी, ये पानी लिया हुआ इन्होंने, ठीक है, जैसे उन्होंने कायल के शेख ने कि आप इस तरह से तमाम चीजों के अंदर पहले पानी को डाल दें, वो गुड्डा है, सुइयां है, तावीज है, और इस पानी के अंदर खोलें। अच्छा। ऐसे ओपनली ना खोलें उसको, सही जैसा जी, सही जैसा उन्होंने बताया, असल में कुछ चीजें हवाई होती हैं, कुछ समुद्री होती हैं, अभी खुले में रखी हुई तो हवाई चीजों को ट्रैक करने के लिए। अब इन्होंने ग्लव्स पहने हैं जी और ये पहले सुइयों को निकाल रही है या निकाल रहे हैं, और ये देखें ये तावीज खोल रहे हैं ना। अब मैं यहाँ तो आपको ओपनली डिटेल नहीं दिखा रहा, ऐसी चीज़ ना ही देखे इंसान तो बेहतर है। इसमें बता रहे हैं ये कि भाई लिखा हुआ है कि मेरी मेरी बीवी की तलाक हो जाए, हमारे झगड़े हों और नुकसान पहुँचे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि भाई क्या कह रहे हैं। ये बेचारे बहुत वक्त से सोच रहे थे मुझसे ये शेयर करने का। अच्छा, लेकिन कहते ना जिस दिन जब जो होना होता है ना वो तभी होता है। मैं आपको नाम बता देता हूँ कि भाई का नाम है शहजाद। अच्छा, शहजाद भाई हैं, इमारात में होते हैं। शहर तो बताएं आप, यहाँ पर पाकिस्तान के शहर से हैं? मैंने पूछा नहीं। अच्छा, मैंने नहीं पूछा। और बता रहे हैं कि जी इसका मकसद बताया गया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं और मैं भी नाकारा हो जाऊं और वो घर पर कब्जा कर लें। महसूस ऐसा होता है जैसे वो रिश्तेदार ही है, महसूस ऐसा होता है। अच्छा शहजाद भाई, मेरा एक बेटा जिसकी उम्र 8 साल है, वो हर वक्त ये कहता था मेरा एक दोस्त है और वो वहाँ ही रहता है। आज जहाँ से ये निकला, जिस जगह से तावीज निकले, इनका बेटा पहले से ही कहता था कि मेरा दोस्त इधर रहता है। अच्छा। जिससे वो बातें करता था, जो किसी और को नजर नहीं आता था। वो कहता है सबको मार दो, घर को आग लगा दो।
यार जो उनका दोस्त है 8 साल से बच्चे से कोई कह रही बात यार, यार इंसान ही नहीं कह सकता, लेकिन ये मामला 10 रात से चल रहे ना, अकेला बैठा बातें करता है उस जगह पर, सबको दिखाया, सब ने कहा इसके साथ जिनका बच्चा है, मतलब अपने बेटे को इन्होंने दिखाया भी है साइबेरियन लोगों को, और सबने कहा कि जिन का एक बच्चा जो है ना उनके साथ, या वो भेजा गया है या पहले से था वो अलग बात। ठीक, अब बता रहे हैं कि तावीज पर मेरे और बीवी की लड़ाई का लिखा हुआ था, कारोबार की बंदिश, मेरे बड़े बेटे का नाम और एक तावीज पढ़ा नहीं जा सका, और जब पुतला खोला उसमें मेरी मरहूम माँ की पिक्चर और 5 तावीज और निकले, लेकिन उन पर नक्श थे। सही। लेकिन जिसने भी किया अल्लाह भला करे, मेरी माँ को सब कहते थे डॉक्टर, डॉक्टर भी कहते थे कि बीवी आप इलाज नहीं, आप दम करवाएं थे। अच्छा, डॉक्टर को समझ नहीं आती थी कि क्या मसाइल है, डॉक्टर्स कहते थे कि आपने दम करवाएं, कोई साहिब नजर को दिखाया, आपको बीमारी की नहीं आपको दम की जरूरत है, इलाज की नहीं दम की जरूरत, ये कहते थे। अब जी मैं आपको, मैंने नहीं देखे जी ऐसे तावीजात इस तरह से कभी खोलते हुए कि ये देखें आप, ये बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए। एक 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 साहब ने भेजी थी तावीज खोल रहे थे, जिन्होंने वो इंडिया से आई थी तस्वीर ना, पानी के अंदर कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं हुआ। आप देखें जी ये खोल रहे हैं मुख्तलिफ तावीजात जो है ना, इसमें से कई गिनवा दिए आपको, 5-5, 10-10 बाकायदा नाम लिखे हुए, ये देखें ये सामान, ये नाम है, ये सुइयां तैर रही हैं, तौबा है यार, मतलब बड़ा वक्त है लोगों के पास अपने आप को नुकसान पहुंचाने का। एक बात कहूं, मुझे लगा कि अब उनकी वालदा की तस्वीर निकली तो ददियाल की तरफ से कराया गया, वालिद साहब की नहीं निकली, सबकी तस्वीरें, सबका नुकसान हो, बाप का नुकसान हो, तो भाई सीधी सी बात है उनका ही सबसे बड़ा नुकसान है, घर ही उन्हीं का है। बात यह है चाहे ददियाल हो चाहे ननियाल हो चाहे कोई हो, रिश्ता है, रिश्ता नहीं भी है, चाहे बाबा मुसलमान हो चाहे गैर मजहब हो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, जादू थोड़ी करना है हमने सर, दुश्मनी क्यों ना सही, गैर मजहबी क्यों ना सही, आपको लाख वो बंदा पसंद नहीं है उससे तकलीफ है आपको, लेकिन जादू नहीं करना है हमने, असल में जादू किया ना इस जुमरे में हम आ गए करने और करवाने में, तो हमने अपना नुकसान कर लिया यहां भी और अल्लाह माफ करे वहां भी। और मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मैं एक किताबी बात नहीं शेयर कर रहा आपसे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो करते हैं ना वो ज्यादा नुकसान में है यार, वो ज्यादा बेसुकूनी में है, उनको मिला क्या ये करके, गुस्से में तैश में बहकावे में आकर आप जादू तक पहुंच गए और क्या हुआ, क्या मरना नहीं है आपको, हस्ती के अल्फाज बता रहा हूं आपको कि जादू सिफली करने वाला उसकी नस्लें भुगतती हैं, जिस तरह अगर हमारे बड़ों ने जो नेक काम किए हैं उनके अमाल हैं जो हम नवाजे जा रहे हैं ना, इसी तरह अल्लाह माफ करे किसी से हमने शेयर किए आपसे, औलादों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ, पता चला उनके दादा परदादा ने एक मिसकमिटमेंट किया था जिनके साथ इस्तेमाल किया था और उसका भुगतान भुगत रहे हैं। ये जितना खतरनाक जादू है तो मेरे ख्याल से लाखों रुपए लगा के अपना पैसा खर्च लगा के इसको किया, लेकिन अल्लाह ने रास्ता तो फिर भी खोल दिया, और अगर यही पैसे इनके घर में तोहफे गिफ्ट और वैसे लेके जाते तो कितनी मोहब्बतें बढ़ती हैं, वो भी कुछ ना कुछ देते ही आपको। मैं अर्ज करूँ तुर्की में जिन अक्सर बताता हूँ आपको, कहा जाता है कि जिसने जादू किया ना उसने रब के काम में मदाखलत की, ये कुछ वैसे ही है जैसे गुस्से में आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, हक मार देते हैं, ज्यादती कर जाते हैं, यतीमों का खा जाते हैं, ये गुस्से में बहुत बड़ा आप जलील कर देते हैं, मतलब गलत फैसले कर जाते हैं, ये ऐसा ही है लेकिन छुपा हुआ है, चोरी, लेकिन अल्लाह की नजर से तो कुछ नहीं छुपा हुआ यार, उनसे क्या छुपा होना। तो मैं आपको अर्ज करूं ये तब किया जाता था जब पाकी नापाकी का पता नहीं था इंसानों को, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या राइट क्या रॉन्ग, कोई समझ ही नहीं थी ना, सेंस ही नहीं था कोई, हजारों साल पहले यार, आज के दौर में भी आप कर रहे हैं ये, और माशाल्लाह फैमिली पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, समझ रखने के बावजूद भी यार महंगाई इतनी होगी, लोगों के पास टाइम और वक्त कैसे है, आप इसके लिए अपने लिए सहूलतें खरीदें ना कि किसी और के घर पे आप किसी और के बर्बादी का नजारा करने के लिए बैठे हुए यार। ये माशाल्लाह इमारात में है ना, मैं आपको बताऊं हमारे अजीज हैं वो बताते हैं कि यार यूएई, सऊदी अरब,
इतनी सख्ती है शिराज पर भी, इतनी सख्ती है कि अगर भनक पड़ जाए ना कि कोई बंदा या बंदी किसी रिचुअल में किसी अमल में इन्वॉल्व है, यार कहां से गाड़ियां पहुंचेंगी आपको उठा के ले जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। बाकायदा एक इदारा बना हुआ है वहां पर, उनका काम ही यही है कि ये एंटी फोर्स जो है, नेगेटिव फोर्स जो है, इनको खत्म करना, रोकना। तो यहां पर अगर आपको इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यार ये दो बैठे हुए हैं ना। मैं खुफिया ऑपरेशन समा में जी करता था, तो मैं अक्सर जो छापे होते या कहीं रेड्स होती ना, तो लोगों को एक बड़ा गिला होता था मुझसे, आप कैमरा हटाएं, आप कैमरा ना दिखाएं, कैमरे में ना दिखाएं। तो मैं उनसे कहता था ये कैमरे नहीं है यार, ये नजर नहीं आ रहे आपको, तो क्या ये नहीं है क्या, आपने हमेशा इधर ही रहना है क्या। अब मैं आपको अर्ज करूं, देखिए ठीक है इंसान है, इंसान खता का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन शेर खुदा फरमाते हैं इंसान गलती करने पे नहीं, उस पे कायम रहने पे फंसता है कि नहीं जी नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या मुझे बताओगे, मैं समझदार हूँ, वहां फंस जाता है इंसान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा इनसे भी कोई ताल्लुक लेन देन नहीं है, आपसे भी नहीं है, जैसे ये है वैसे आप हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है छोटा समझ के कि आप माफी तलाफी करो, दुनिया में ही आपको कुछ देना पड़े ना, कुछ बेचना पड़े, जो इसमें इन्वॉल्व है करने और करवाने में, आप इनसे माफी तलाफी कर लें, अपनी जान खलासी कर लें आप इस काम से, अपने ऊपर ये जो लग गया है ना जादू का एक, इसको हटवा लें यहीं पर, हो सके तो इनसे लिखवा लें कि भाई मुझे लिख के दे दो, मैंने तुम्हें माफ कर, जबान से तो कह रहे हैं माशाल्लाह ये, और इसी वजह से ही हम तक पहुंचे कि इन्होंने पहले ही माफ कर दिया। हालांकि यार अपनी वालदा, अपना बेटा, अपनी बेगम, इनके मुतालिक आसान नहीं होता माफ कर। यार सबसे बड़ी बात वो सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं पूरा घर चला दो, सबको मार दो, ये दो वाकया तो लाहौर से भी आए हैं, कैसे हुए हैं। अच्छा हम किसी को भी डांट दें डपट दें तो हमें एक अजीब सा ना बोझ आ जाता है, सो नहीं पाते। ये लोग क्या कहते हैं, सो कैसे जाते हैं, इनकी नींद कैसे आ जाती है, इन लोगों को जादू करते हैं। सर फंसे हुए हैं आप, मैं आपको बताऊँ कि जो इस काम में इन्वॉल्व रहा ना, जादू करने और करवाने में, उसको या तो कोई बददुआ है या कोई बुराई है उसके साथ, वो फंस गया है बेचारा। जैसे कहते हैं ना लालच बुरी बला है, वो एक बला है जो आपको चिपक जाती है, इसी तरह ये एक बला है जो आपको, जिसमें आप फंस गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप समझ लें कि कुछ देख के मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा यार, सब तो कहेंगे कि फलां फलां फलां, मैं कह रहा हूँ आपसे कि कर लें माफी तलाफी, आप सरेंडर कर दें, आपको कुछ बेचना पड़े मनाने के लिए आप दे दें, आप इनसे लिखवा लें कि हाँ यार मैंने तुम्हें माफ, सब में चले जाना है, अगले लम्हे का नहीं पता। अब यार मैं बड़ा हैरान हूँ शिराज भाई, देख के बड़ा अगली फील भी हो रहा है, एक होता है ना देखना भी आसान नहीं है, बेचारे हाथ कांप रहे हैं, और ये देखें यार ये तस्वीरें निकल रही हैं इनकी मरहूम वालदा की, यार ये देखें ये निकल रही हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ, तौबा ये देख रहे हैं आप। हाँ ये भी आप, मैं तो मुझे बहुत निकले सुइयां, इतनी बड़ी बड़ी सुइयां हैं यार, ये देखें आप कैंची बड़ी हुई है, पता नहीं क्या अजीब सी चीजें भी हैं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, ये देखें शायद गीदड़ सिंह भी कहते हैं इसको, क्या क्या है ये बेचारे भाई हमारे, ये इनके मरहूम वालदा तो हैं, वाली साहब का मुझे पता नहीं हयात है या नहीं, ये इनके बच्चे, और कंफर्म हो गई ये बात कि एक बेटा इनका जो पहले बताता था कि भाई यहाँ वो रहता है और वो ये कहता है सबको मार दो सबको जला दो, उससे ये बातें भी करता था और सब ने पॉइंट आउट किया कि उधर ही बैठता था ये, और सब ने क्या देखा कि वहीं से सामान निकला है, तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है, महसूस ऐसा होता है कि भिजवाया गया भेजा गया है ना, रखा गया है। मैंने नहीं पूछा इनसे जी रिश्तेदारों में कौन, उसका नाम बताएं फलां, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी इनसे मुलाकात तो दूर फोन पे भी बात नहीं हुई, होती भी नहीं है, जिनके घरों पे हम चले गए वो अलग बात, बाकी किसी से नहीं होता रहा। तस्वीर हत्या कैसे लगी इनके, जाहिर सी बात है जो फैमिली मेम्बर्स हैं यार, तो फैमिली मेम्बर्स तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और मेरा सब्जेक्ट नहीं जी ना, मैंने इनसे डिटेल में पूछा, मेरे लिए सब जो है ना अल्लाह के बंदे हैं बंदियां हैं ना, हम भला चाहते हैं, हम वो आपको बताते हैं जो खुद देखा सुना अपने मेहरबान को फरमाते हुए, और उसके बाद जो खुद हम गए हैं घरों घरों पे देखा है ना, तो मैंने देखा है कि कोई जादू करके से सुकून में नहीं रहा यार, ज्यादा बेसुकूनी में रहा, ज्यादा परेशानी में रहा, फायदा क्या फिर ऐसे काम, या तो हमेशा जिंदा रहना हो फिर तो बंदा सोचे भी यार, आपको अगले लम्हे का अपना नहीं पता, आप वो कर रहे हैं जिसका यार सिर्फ इस्लाम में नहीं
हर मजहब में बड़ा सख्ती से ममानियत है शिराज को। तो हकीकत है, आप देखें ना, अब अभी यूई का बता रहे थे, वहाँ पे पूरा शहर ही खाली कर दिया है, पता नहीं गाँव रियासुल खैमा के नाम से, जिन्होंने ऐसे मामला देखे, उन्होंने इंसानों को दूर कर दिया, उन्होंने इंसानी कीमती जाने दी। अब यहाँ तो किसी घर में कुछ हो या असरात हो तो बताते भी नहीं, उनको रेंट पर चढ़ा देते हैं या बेच देते हैं। तो बात यह है कि जी ख्याल करें, सब में चले जाना, और इंसान से गलती हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करें, और बच्चे हैं, मासूम हैं, फिर आपके घर में भी फैमिली है, तो ये ना करें जो आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने लिए। लाइलाज बीमारियां आती हैं इसके पीछे, को अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे जी ऐसी आफात बलियात से, ना समझ में आने वाली परेशानियों से, मसाइल से, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, होगी मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम।